छोटे छोटे बच्चे हो, देखे नहर इधर से आ रही है और ये अभी तक पटड़ी मौजूद है और ये है सारे रेडी होती है, ठीक है। और ये हम अंदर तो नहीं जाएंगे, ये इसका गेट है। ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बीच वाला छोटी सी मस्जिद बहुत ही प्यारी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नरोज अली और आप देख रहे हैं नरोज अली ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, मैं अपने विलेज टूर पे हूँ, अपने गांव में आया हूँ और इस टाइम ये देखते जैसा जरूरी है नहर के किनारे खड़ा हूँ। तो आज के ब्लॉग का यहीं से शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की, और आपको दिखाते हैं यहाँ के गाँव का माहौल। ये नहर है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं और आपको थोड़ा सा यहाँ का विजिट करवाते हैं। तो जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की तरह स्टार्ट करते हैं आज का अपना मज़ेदार सा ब्लॉग। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बच्चों की शरारत है। आ जाए जरा, ये बच्चे इधर जो है नहर में नहाए और आपको यहाँ पे ना जरा थोड़े सीन दिखाते हैं बच्चों के लिए। हम तो नहीं नहाएंगे लेकिन बच्चों का दिखाते हैं आपको। ये सामने जो है ना, ये है सारा ये बर्फ़ का कारखाना है। आपको नज़दीक सा भी थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। और वो सामने जो है ये नहर का पुल बना हुआ है, वो लाहौर की तरफ से रोड उधर से आता है और आगे चला जाता है तहसील वोटाबाज। और वो सामने छोटी सी एक मस्जिद है, आपको वो भी दिखाता हूँ। और यहाँ का जो माहौल है ना, बहुत ही सुकून माहौल थे, मीठे मीठे चौल जनाब। ये देखें, और ये देखें जी बच्चों के काम, ये देखें, ये वाह जी वाह, ये छोटे छोटे बच्चे हो, ये देखें नहर में जनाब ये कूद रहे हैं, नहा रहे हैं, अपनी गर्मी का जो ना ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं खुद खुद। ये देखें, यही माहौल है गांव का, बस जो है ना मज़ेदार होता है जनाब। हम भी जब छोटे छोटे होते थे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा नहर में नहाया करते थे। ये इस तरफ फसलें, ये देखें नहर इधर से आ रही है और ये सारी फसलें हैं चारों तरफ, और इसके बीच में ये ट्रेन की पटड़ी गुजर रही है। अभी यहाँ पे ट्रेन तो नहीं चलती लेकिन अभी तक पटड़ी मौजूद है। और ये हैं सारे शरारती बच्चे जो नहर में कूद रहे हैं। चलो अभी लाओ, चलो 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 शाबाश। ये देखें, ये ऐसे जा रहे हैं सारे सारे, ये देखें, चलो चलो शाबाश। ये इस तरफ लगा रहा है चलांग, ये देखें वो कूद गया सारा, इनको डर भी नहीं लगता बच्चों को, ठीक है जी। ये देखें, ये सारे नहा रहे हैं। और ये देखें, खतरनाक सा पुल है, यहाँ से स्लिप होके बंदा नीचे भी गिर सकता है। ये देखें माशाल्लाह, इतना खूबसूरत नज़ारा। और सामने ये बर्फ़ का कारखाना है, वहाँ पे बर्फ़ वगैरह बनती है। ये देखें जी यहाँ का माहौल, और ये नहर के किनारे दरख्त हैं कीकर के खड़े, और ये नहर है, यहाँ पे कोई भी आके नहा सकता है। शहरों की तरह यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं लगती, ठीक है। और ये बच्चे नहा रहे हैं यहीं पुल से ही नीचे, जो है ये छलांगे लगाते हैं, कूदते हैं और नहाते हैं। और ये देखें यहाँ पे फूल नहर के किनारे पे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ओ जी बच्चा कह रहा है मेरा सीन ले लो, ठीक है जी। वो सामने एक मोर्चा है, आपको मोर्चा भी विजिट करवाता हूँ मैं। और ये देखें, इसने भी छलांग लगा दी। सबसे पहले आपको मैं कारखाने का थोड़ा सा ना बाहर से नज़ारा दिखा दूं, अंदर से वो देखा वहाँ पे ना मालक इसका था नहीं, अदरवाइज़ मैंने आपको ये पूरा कभी ना इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगा इस पर भी, कारखाने में बर्फ़ किस तरह से बनती है। ये देखें, ये पानी गिर रहा है ना नीचे, ये देखें सारा, तो यहीं पर बर्फ़ बनती है, कारखाना है बर्फ़ का। तो इंशाल्लाह कभी विज़िट करेंगे अंदर से भी, आपको पूरा एक व्लॉग बना के दिखाऊंगा, प्रोसीजर पूरा आपको दिखाऊंगा कि ये बर्फ़ जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, कारखाना किस तरह से ये काम करता है। ये आप देख सकते हैं जितना मैं ज़रा नज़दीक ला सकूँ। ये देखिए पानी की आवाज़ आप सुन सकते हैं ना, ये देखें। और अब मैं आपको दिखा दूँ ज़रा, वो जो सामने है ना वो है मोर्चा आर्मी का बना हुआ, मोर्चा आपको दिखा दूँ, वहाँ पर चलते हैं ज़रा। ये देखें, ये ट्रेन की पटरी है जो बिल्कुल बेकार हो चुकी है, अब यहाँ पे ट्रेन श्रेन तो बिल्कुल भी नहीं आती। और ये यहाँ पे बना हुआ है आर्मी का मोर्चा, क्योंकि इस तरफ जो है ना आगे इंडिया है, हिंदुस्तान। यहाँ से जो इंडियन बॉर्डर है ना, तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर के फासले पे आगे इंडियन बॉर्डर आ जाता है। और ये जो बॉर्डर है ये बीकानेर बॉर्डर पड़ता है सारा। यहाँ पे इस तरफ जो है ये चोलस्तान है, और इंडिया अगर बॉर्डर क्रॉस करे उस तरफ जो है सारा उनका राजस्थान का इलाका होता है सारा।
और ये देखें जनाब, ये पटड़ी के बीच में एक बेल उगी हुई है, और ये देखें कोरतुमा यानी के बिटर एप्पल लगा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बिटर एप्पल की मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, इसका मरबा भी तैयार किया है, हेवन फूड वर्ल्ड के चैनल पर पड़ी हुई वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत ही मुफीद होता है सेहत के लिए। ठीक हो गया जी, और ये इसका एक इस तरफ से भी है, ये देखे होल बना हुआ, यहीं से वो गन वगैरह निकाल के अंदर बैठे होते हैं आर्मी वाले। और ये देखें जी इस तरफ का माहौल, माशाल्लाह माशाल्लाह हरियाली ग्रीनरी हर तरफ, फसलें भी छोटी छोटी है, क्योंकि आजकल जो है ना अभी गंदम कार्ड निकाल के इन्होंने और सारी जो आजकल इन्होंने यहाँ पे काश्त की हुई है जनाब कपास, और कपास जो है ये अक्टूबर में रेडी होती है। ठीक है, और ये हम अंदर तो नहीं जाएंगे, ये इसका गेट है दरवाज़ा, यहाँ से अंदर जाया जाता है मोर्चे के। गर्मियाँ हैं तो गर्मी में सांप वगैरह यहाँ पर ना मामूली सी बात होती निकल आते हैं। ठीक है जी, और ये देखें ये भी दरवाज़ा, यहीं से भी गन निकालते हैं, इसके अंदर बैठ के यहाँ से भी गंद निकाल के बैठे होते हैं आर्मी वाले। ठीक है जी, और अभी ज़रा इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर से जाके आपको वहाँ माहौल दिखाऊं। ये देखें ज़रा इस तरफ से भी पहले देख लें आप, ये देखें ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है, और ये इसके साथ ही नहर है, ये देखें। ठीक है जी, और इसके अभी ऊपर चल के आपको दिखाऊँ ज़रा ऊपर से व्यू कैसा आता है, ये देखें जी माशाल्लाह, ये ट्रेन की पटरी जा रही है, और ये चारों तरफ का माहौल ग्रीनरी फसलें, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये बीच में से नहर जा रही है। इस तरफ है बीकानेर का बॉर्डर इंडिया का, इस तरफ इंडिया बिल्कुल नज़दीक है, 15 से 16 किलोमीटर के फासले पे ये नहर है, और वो सामने कारखाना, और इस तरफ वो आपके नज़र आ रहे हैं आपको मीनार मस्जिद है, आपको वो भी विज़िट कर दो, छोटी सी मस्जिद है। ठीक है जी, और सामने वो जो है ना ये मंगल मंडी बकरा मंडी लगी हुई है, आपको जो रश नज़र आ रहा है ना गाड़ियों का, तो यहीं पे मैं व्लॉग शूट करने आया था मैंने बकरा मंडी, क्योंकि ईद नज़दीक है बड़ी, तो यहाँ पे जानवर वगैरह मैंने कहा चलो प्राइस वगैरह पूछते हैं यहाँ का क्या सिस्टम चल रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ का भी व्लॉग बना लूँ, यहाँ का माहौल अच्छा था। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाके मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है बनी हुई, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। अभी ज़रा नीचे उतरते हैं यहाँ से, ये जी छोटा सा व्यू फसलों का ग्रीनरी, ये देखें माशाल्लाह, और ये मोर्चे का दूर से व्यू थोड़ा सा, ये नहर है, और ये नहर के किनारे पे जनाब ये मोर्चा बना हुआ है आर्मी का, पाकिस्तान आर्मी। ये देखें जी माशाल्लाह, छोटी सी मस्जिद, बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, ये देखें। और वो भाई अंदर झाड़ू दे रहे हैं यानी कि सफाई कर रहे हैं मस्जिद की, ये देखें जी मस्जिद मीनार है और ये मस्जिद बनी हुई है, और ये भाई अंदर सफाई कर रहे हैं, ये देखें। तो दोस्तों ये था आज का मेरा व्लॉग जो मैंने यहाँ पे शूट किया, तो आपको ये मेरी बूथी देख के अंदाजा हो गया होगा कि गर्मी की शिद्दत कितनी ज्यादा बढ़ गई हुई है। अभी 12 बजे हैं और आज जो है डेट है 30 मई 2023 की आज डेट है, और यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना अभी यहाँ पे कि मैं मेरे पास अल्फाज नहीं बताने को, आपको बूथी से अंदाज़ा हो गया होगा ये देखें कितना बुरा हाल हो चुका है। तो आज के व्लॉग का इस व्लॉग का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।